आइलो पंटर लोग, ए धोतरी वाला गिराएगा कहाँ है? ए आज हम पीसी बिल बताएंगे सबको, तो ज्यादा उथल कुछ मत करना, तो लात मार के गिरा देंगे, चुप साला। तो गाइस आज आप लोगों को बताएंगे 2,00,000 रुपये का बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड। साला मेरा हाथ बहुत खाली खाली लग रहा है। मेरे चाची के चंदी के चोर से चटनी चटाया। अबे चच्चा ढंग से चल साला, गिरा गुड़ा देगा हमको साला, ये तो डंडा लेके आ रहे। अच्छा डंडा दे मेरे को वापस, आते साला लात मार। ए धोतरी वाला बच्चा, पहला कंपोनेंट है गाइस हम लोग का Ryzen 9 7900X 3D, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सेकंड कंपोनेंट है गाइस हम लोग का Asus ROG Strix X670EF गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। थर्ड कंपोनेंट है गाइस हम लोग का पावर सप्लाई जो कि है Corsair का RM850X शिफ्ट, और हम लोग का 14,000 समथिंग अप्रॉक्स का। फोर्थ कंपोनेंट है गाइस हम लोग का किंगस्टन का फ्यूरी रेनेगेड 1TB का SSD। देखो हम लोग का 2,00,000 का बजट है, बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाला पीसी बना रहे हैं आप लोग को पता है, और इसमें हम लोग ने अभी फिलहाल के लिए 1TB का ही SSD ऐड किया ताकि भाई बजट में फिट कर पाए। आप लोग बाद में एक और ऐड कर लेना अगर आप चाहते हो तो। भाई मेरे को डे वन से 2TB SSD चाहिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा। आपका बजट अप्रॉक्स 2,600-2,700 अप्रॉक्स का अप्रॉक्स पहुंचेगा। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है भाई, ले लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, 1TB के साथ अभी जाओ, बाद में अपग्रेड कर लेना। नेक्स्ट कंपोनेंट है गाइस हम लोग का ऑब्वियसली AIO जो कि है Corsair का IQ H150i 16,000 का प्रोसेसर, प्राइसिंग बहुत अच्छा है AIO, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है भाई हम लोग का RX 7900 Grey 16GB का ग्राफिक्स कार्ड जो कि हम लोग का AMD का तरफ से, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा कार्ड है गाइस इस बजट में आते हुए। फॉर गेमिंग इट्स वेरी गुड, तो आप लोग डेफिनेटली इसके साथ जाओ। नेक्स्ट कॉम्पोनेट है गाइस हम लोग का रैम जो कि होने वाला है Corsair का Vengeance DDR5 सीरीज का 32GB का। हम लोग 2 sticks ले रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ARGB भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो डोमिनेटर के साथ भी जा सकते हो और भी इजी स्किल्स के साथ भी जा सकते हो, बट भाई मैंने कॉस्ट के अंदर रखने के लिए ही पर 9 RGB रैम लिया। आप लोग चाहो तो RGB ले लो, 4,000-5,000 रुपए फिर भरेगा, वही चीज है। यहाँ पर हम लोग ने फ्रैक्टल डिजाइन का पॉप एक्सेल एयर, मैंने इसके बारे में बेस्ट कैबिनेट का वीडियो में भी बताया हुआ है, बहुत अच्छा कैबिनेट है, आप लोग डेफिनेटली इसके साथ जाओ। उसका जो ब्लैक वेरियंट आता है उसके साथ जाओ, नहीं तो फिर कलर हॉचपॉच हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ जाओ, बहुत अच्छा कैबिनेट है। आप चाहो तो NZXT का H वाला सीरीज भी जा सकते हो, H6 या H7 फ्लो में भी जा सकते हो, बट वहां पर क्या आपको वो 14-15 का अप्रॉक्स का पड़ेगा, तो H9 भी जा सकते हो, 14-15 का अप्रॉक्स का पड़ेगा, तो वो आपको बजट बढ़ा देगा, वो चीज को ध्यान में रखना। अगर आपको बढ़ा के चलता है तो भाई ठीक है, उसके साथ जाओ, वरना ये फ्रैक्टल डिजाइन का पॉप एक्सेल एयर भी बहुत अच्छा कैबिनेट है, डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। तो गाइस यही है हम लोग का पीसी बिल्ड 2,00,000 का जो बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 2,00,000 में लगा के देगा, और आप लोग जाओ ये वाला पीसी बिल्ड बनाओ और एंजॉय करो अपना पीसी बिल्ड। तब तक के लिए वी आर गोना मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाकी सब वीडियो के कारण के मैं उसका बाय।